गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठ विषय विज्ञान अध्याय दस किशोरावस्था की ओर भाग एक मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार प्यारे बच्चों तुम जानते ही हो कि प्रत्येक सजीव में जनन प्रक्रिया होती है यह जनन प्रक्रिया हर जीव में एक निश्चित अवधि के बाद ही प्रारंभ होती है मनुष्य में यह जनन की प्रक्रिया किशोरावस्था के पश्चात आरंभ होती है बच्चों इस अध्याय में हम समझेंगे कि किशोरावस्था क्या होती है किशोरावस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों के लिए कौन कौन से हॉर्मोन्स उत्तरदायी होते हैं ठीक है बच्चों, शुरू करें प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन करता है मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं कुछ विशेष हार्मोनों के प्रभाव से बच्चा बड़ा होकर व्यस्क हो जाता है बच्चों जब बच्चा व्यस्क होता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है किशोरावस्था अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था एवं यौवनारम जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है किशोरावस्था कहलाती है किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं यह है परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है किशोरावस्था में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं बच्चों अब हम समझेंगे कि किशोरावस्था में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं नंबर एक लड़के एवं लड़कियों में जनन अंगों का विकास बच्चों किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों में जननंगों का विकास शुरू हो जाता है वृक्षण से शुक्राणु बनने लगते हैं तथा अंडाशय से अंडाणु बनने लगते हैं नंबर दो लंबाई में वृद्धि नंबर तीन शारीरिक आकृति में परिवर्तन बच्चों किशोरावस्था में बच्चों में विशेष रूप से लड़कियों में जल्दी लंबाई बढ़ती है और लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं ठीक है बच्चों। नंबर चार सर में परिवर्तन किशोरावस्था में लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज मधुर होती है नंबर पाँच स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि बच्चों किशोरावस्था में बच्चों के स्वेद एवं तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती हैं इसी वजह से इस अवस्था में बच्चों के चेहरों पर फुंसियां आ जाती हैं नंबर छः मानसिक बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता बच्चों किशोरावस्था में बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है ठीक है बच्चों गौंड लैंगिक लक्षण बच्चों अब हम समझेंगे कि गौंड लैंगिक लक्षण क्या होते हैं युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मुँह आने लगती है ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं अतः है इन्हें लैंगिक लक्षण कहते हैं किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं बच्चों लड़कों में दाढ़ी मूछ का आना ये विशेषता लैंगिक लक्षण है जो हमें लड़के और लड़की को अलग करने में पहचानने में मदद करते हैं ठीक है बच्चों हार्मोन बच्चों अब हम समझेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं यह अंतस्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं इन्हें का विहीन ग्रंथी भी कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करते हैं इन्हें ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती बच्चों हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं इन्हें नलिका विहीन ग्रंथी भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा स्थावित हार्मोन को ले जाने के लिए इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती ये हॉर्मोन्स को सीधे ही रुधिर प्रवाह में निर्मोचित कर देते हैं ठीक है बच्चों यौवनारंभ के साथ वृक्षण पोरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरॉन का श्रवण प्रारंभ कर देता है यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है बच्चों लड़कों में जो परिवर्तन आते हैं दाढ़ी मोच का आना आवाज का भारी होना ये सब वृक्षण के द्वारा स्त्रावित हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन के कारण होते हैं ठीक है बच्चों लड़कियों में अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करता है जिनसे लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं बच्चों लड़कियों में किशोरावस्था प्रारंभ होने के बाद अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है और ये एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पादित करते हैं जिनसे लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं ठीक है बच्चों अंतस्त्रावी ग्रंथियां बच्चों मनुष्य में वृक्षण अंडाशय के अलावा भी और भी अंत्यस्त्राविक ग्रंथियां पाई जाती हैं चित्र में देखिए ये पीयूष ग्रंथी थाइरोयड ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथी ये सब भी मनुष्य में पाई जाने वाली अंतस्त्राविक ग्रंथियां हैं जो भिन्न भिन्न हार्मोन स्त्रावित करते हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं पीयूष ग्रंथी अन्य अंतिक ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हार्मोन पर भी नियंत्रण करती है इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथी भी कहते हैं बच्चों पीयूष ग्रंथी मास्टर ग्रंथी कहलाती है क्यों कहलाती है क्योंकि ये जनन ग्रंथियों के अलावा अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखती है ठीक है बच्चों हमारे शरीर में थायरॉयड अग्नाशय एवं एड्रिनल जैसी कुछ अन्य अंतस्त्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं थायरॉयड थायरोक्सिन का अग्नाशय इंसुलिन का तथा एड्रिनल एडिनलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गोयटर या घेंगा रोग हो जाता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है एड्रिनलिन हॉर्मोन चिंता क्रोध एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है बच्चों थायरोक्सिन हार्मोन हमारी थाइरोइड ग्रंथि से स्रावित होता है इसकी कमी से गलगंड रोग या गोयटर या घेंगा रोग हो जाता है जो कि गले में होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है और एडिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होता है यह हमारी उत्तेजना के समय जैसे कभी हमें बहुत गुस्सा आता है या खुशी होती है उस समय हमें ये हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करता है ठीक है बच्चों? किशोर की पोषक आवश्यकताएं, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है अतः संतुलित आहार लेना अति आवश्यक होता है बच्चों किशोरावस्था में तीव्र वृद्धि होती है इसीलिए सभी बच्चों को इस समय संतुलित आहार लेना चाहिए भोजन में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वसा विटामिन एवं खनिज पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जैसे रोटी रोटी किससे बनती है गेहूं से चावल दाल पत्तेदार सब्जियां, दूध अंडे मांस नट एवं फल इत्यादि इन सब चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन विटामिन खनिज लवण प्राप्त होते हैं जो बच्चों की वृद्धि में सहायक होते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता बच्चों किशोरावस्था में सभी को अपनी स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस समय बच्चों में तेल ग्रंथियाँ और श्वेत ग्रंथियाँ बहुत सक्रिय होती हैं तो इनकी वजह से जीवाणु संक्रमण हो सकता है अगर सफाई ना रखी जाए ठीक है बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण का खतरा रहता है तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि किशोर अवस्था में तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है ठीक है बच्चों अब पाठ का सारांश यहां पूरा होता है अब आप इस वीडियो को द्वारा देखना समझना भाग दो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे ठीक है बच्चों, धन्यवाद